मुंबई से लेकर नागपुर तक दिग्गजों का नामांकन हो रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अब से कुछ देर पहले अपना नामांकन भरते हुए नजर आए हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के उम्मीदवार हैं और नामांकन से पहले फडणवीस ने नागपुर में रोड शो भी किया। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर फडणवीस जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। नामांकन से पहले फडणवीस अपने परिवार के बीच दिखाई दिए। घर वालों ने तिलक लगाकर उन्हें नामांकन के लिए रवाना किया। फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं और फिलहाल महायुति की सरकार में डिप्टी सीएम है। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रफुल्ल गुर्दे उम्मीदवार हैं, जो कि महाविकास अगाड़ी को की ओर से फडणवीस को चुनावी मुकाबले में चुनौती देंगे। हालांकि प्रफुल्ल गुर्दे को फडणवीस 2014 के विधानसभा चुनाव में हरा चुके हैं। अलग अलग दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे नामांकन से पहले एक भव्य रोड शो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया। तीन बार जीत दर्ज कर चुके हैं और चौथी बार भी जीत को लेकर पूरी तरह से वो आश्वस्त दिखाई दिए और कार्यकर्ताओं में भी उसी तरह का जोश इस रोड शो के दौरान दिखाई दिया। दूसरी तस्वीर नागपुर दक्षिण पश्चिम से नामांकन भरते हुए भी देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर सामने आ चुकी है। जब पर्चा उन्होंने दाखिल किया और जब वो अपने घर से निकल रहे थे तब भी परिवार की तरफ से उन्हें तिलक किया गया, क्योंकि परिवार को भी उम्मीद है कि चौथी बार भी जीत देवेंद्र फडणवीस की ही होने जा रही है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 2009 से लगातार, यानी कि जब से यहाँ पर चुनाव हुआ इस सीट पर, उसके बाद से लगातार ये एक तरह से गढ़ रहा है यहाँ पर, और खुद देवेंद्र फडणवीस लगातार चुनाव जीतते यहाँ पर आए हैं। तीन बार चुनाव जीत चुके हैं और चौथी बार भी इसी सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है देवेंद्र फडणवीस को। भारतीय जनता पार्टी के एक और दिग्गज आशीष शेलार भी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आशीष शेलार मुंबई की बांद्रा वेस्ट सीट से उम्मीदवार हैं और आशीष शेलार अभी बांद्रा वेस्ट सीट से ही विधायक हैं और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। आशीष शेलार ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने का बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार जी नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको भीड़ दिखाने दूंगा। मुंबई के हार वेस्ट का ये इलाका है और बांद्रा में देखिए किस तरीके से आशीष शेलार जी का जब नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा हुजूम उनके साथ चल रहा है। आशीष जी से हम बात करते हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करने के लिए। आशीष जी, इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके साथ चल रहे हैं, कितना विश्वास है इस पर? बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे, सभी जनता का प्रेम है, सभी जनता का आशीर्वाद भी है और उस आशीर्वाद को काम करके मैंने 10 साल दिया है, आगे भी करूंगा। जनता के मन में सवाल ये है कि सीएम कौन बनेगा? सभी नेता मिलकर तय करेंगे। लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और उनका साथियों पे कहना है कि बड़ी तादाद में यहाँ पे जो लोग है हुजूम है वो जीत कर यहाँ पर आशीष शेलार वापस आएंगे। तो ये तो हमारे साथ आशीष शेलार जो नॉमिनेशन बनने जा रहे हैं बांद्रा वेस्ट से। मुंबई से कैमरामैन कल्पेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया। और अब अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र के चुनावी दंगल से ही जुड़ी हुई मिल रही है, जहां वर्ली सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। वर्ली सीट पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ सीएम शिंदे ने बहुत बड़ा सियासी चुनावी प्लान तैयार कर लिया है। खबर यह है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिंदे गुट से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा उम्मीदवार हो सकते हैं। वर्ली सीट से शिवसेना उद्धव गुट से आदित्य ठाकरे ने कल ही नॉमिनेशन फाइल किया था और उसी तरह सोची समझी एक रणनीति के तहत यहां पर मिलिंद देवड़ा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वो यहां से वर्ली से उम्मीदवार हो सकते हैं और इसीलिए वर्ली पर सबकी निगाहें अब टिक गई हैं। महाराष्ट्र का चुनावी दंगल बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, कल उनकी तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया गया। और अब दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे मिलिंद देवड़ा जो कि शिंदे गुट से यहां पर उम्मीदवारी की खबरें उनकी मिल रही हैं। और उधर अजीत पवार गुट ने जीशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणु शक्ति नगर से टिकट दे दिया है। जीशान आज ही एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे। जीशान मुंबई की बांद्रा ईस्ट सीट से 2019 में भी चुनाव जीत चुके हैं। जीशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, जिनकी हत्या हाल ही में गोली मारकर कर दी गई थी, जो पहले ही अजीत पवार गुट में शामिल हो चुके थे। हालांकि कांग्रेस ने विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में पहले ही जीशान को पार्टी से निलंबित कर दिया था। जीशान सिद्दीकी को अजीत पवार गुट ने बांद्रा ईस्ट से टिकट दे दिया है। जीशान का मुकाबला आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई और उद्धव गुट के वरुण सरदेसाई से होने वाला है। वहीं सना मलिक को अनुशक्ति नगर से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल से जुड़ी हुई दो
दिलचस्प तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। जीशान सिद्दीकी जो अजीत पवार गुट में आज ही शामिल हुए, आज ही दामन थामा और आज ही उन्हें यहां से बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी अनुशक्ति नगर से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। जीशान सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ में। जीशान, आज आपने एनसीपी में प्रवेश किया और बांद्रा ईस्ट सीट से आप लड़ने वाले हो। जी देखिए, आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजीत दादा का, प्रफुल्ल पटेल जी का, सुनील तटकरे जी का और पूरे राष्ट्रवादी पार्टी का और परिवार का कि उन्होंने इस कठिन घड़ी में मेरा साथ दिया, मुझ पर विश्वास किया और बांद्रा पूर्व से मुझे उम्मीदवार घोषित किया, मुझे आज एबी फॉर्म भी दिया। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का एक अधूरा सपना था कि इस बार चुनाव फिर से हमें जीतना है और उनकी लड़ाई अब मुझे लड़नी है और उनकी जो जान गई है वो ज़ाया नहीं जाए, वो हमेशा गरीबों के लिए, उनके हकों के लिए, उनके घरों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे और वही लड़ाई अब मुझे लड़नी है और मुझे फिर एक बार मौका मिला है। बांद्रा पूर्व की जनता चाहती थी कि मैं एक आमदार फिर एक बार बनूं, तो मैं अपने काम के साथ, बलिदान के साथ उनके सामने जाऊंगा, वोट मांगूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतूंगा। अजीत पवार ने नवाब मलिक की बेटी को तो टिकट दे दिया, लेकिन खुद नवाब मलिक अभी तक बे टिकट हैं। यानी कि नवाब मलिक को लेकर काफी समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की चल रही थी कि उन्हें पार्टी टिकट देगी या फिर नहीं देगी, लेकिन अब खबर यह है कि बीजेपी के दबाव में अजीत पवार जो है वो नवाब मलिक को टिकट नहीं दे पाए। इसकी वजह रही नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच काफी समय से चल रही सियासी रस्साकशी। नवाब मलिक काफी समय से फडणवीस और उनकी पत्नी को लेकर बयानबाजी करते रहे थे और इसी की वजह से माना जा रहा था कि नवाब मलिक को इस बार बीजेपी के दबाव में अजीत पवार टिकट नहीं देंगे और फिर हुआ भी वैसा ही।